Hit the subscribe button and click on the bell icon to stay updated with my channel. Has been a very very long time कि मैंने अपडेट कुछ नहीं. Pisces the farm में इतना काम का प्रेशर रहता है कि मतलब वीडियोस का थोड़ा सा स्पेस हमको उतना मिल नहीं रहा था. Anyways guys, today is Sunday and अभी सुबह का 6:45 AM in the morning. अभी यहाँ पे आए हैं घर पे. All my thanks are over. I'm gonna be giving you a small update. यहाँ पे क्या-क्या चल रहा है. Before that guys, hi, hello, namaskar, namaste, salam, walaikum, shushkal to everyone. Welcome to another episode of Rahul's Aquatic Vlogs. Guys, I hope you all are doing well. ये जो टैंक है, इस टैंक पे अच्छे से वाटर चेंज वगैरह चल रहा है. As you know, like one of my detonates had that bubble gas syndrome. So उसका आर्क अभी थोड़ा सा और भी सीरियस थोड़ा सा हो चुका है. But it's eating well, everything is well. Let's see. Arwanas, they're all looking good. सब ठीक ठाक है. And everyone is fine over here. सबसे important जो update देना है, that is about the flower horn. ये पहले farm पे था and अभी इसको घर पे लाया गया है and उसका coloration वगैरह कुछ नहीं आता था. अभी फिलहाल just see him over here. He has recovered lot from stress. Stress काफी कम हो चुका है and थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसका जो मतलब यू नो असली जो potential है थोड़ा बहुत दिख रहा है. अभी भी ये full नहीं है. ये और भी आगे जाके इसका update मतलब यू नो और भी कुछ डेवलपमेंट्स आएगा आई नो. एंड अभी जस्ट इसको फीडिंग दिया. इफ यू कैन सी प्रॉपरली इट्स लुकिंग क्वाइट बेटर देन बिफोर. आई वुड से क्वाइट बेटर देन बिफोर. एंड इसको थोड़ा सा ग्रूमिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने एक मिरर लगाया है. मिरर लगाने से क्या होता है कि इन लोग का ग्रूमिंग को थोड़ा सा हेल्प हो जाता है. एक्चुअली पानी में थोड़ा सा हाथ देने में ये डर लगता है क्योंकि ये बहुत काट लेता है उंगली वगैरह. समहाउ आई कीप इट लाइक दिस एंड जब ग्रूमिंग का टाइम करना है तो वैसा बस घुमा दो. यू विल सी हिम लाइक फ्लेयरिंग अक्रॉस द मिरर ओवर देयर. ये थोड़ा सा कुछ देर के लिए हम ये करते हैं. यू कैन वॉच राइट नाउ. सी कुछ देर के लिए कर दिया. अभी राइट नाउ लेट मी गिव यू अ स्मॉल अपडेट ऑफ द बोसवानी टैंक ओवर हियर. बोसवानी इज अच्छा लग रहा है. एक दो फिशेस का यू नो रैंडम मॉर्टलिटी होता रहता है. नॉट द बोसवानी, अ फ्यू वन और टू लोचेस यहाँ पे थोड़ा सा मर जाता है. गाड़ा रूफा एक दो मर गया है यहाँ पे जो बचा नहीं. ऑटोमेटिकली कम्युनिटी टैंक में थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है एज यू नो. सो यही हुआ है. एंड यहाँ पे टिनफॉइल बार्ड, छोटा सा एक टिनफॉइल बार्ड मेरे पास था जो जिसको ऐड किया गया. अभी थोड़ा सा इन लोग को खाना देंगे. आई जस्ट गिव इट फ्यू मोमेंट्स बैक बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ द वीडियो आई विल गिव इट. या ओ फॉरगॉट अबाउट द वाटर चेंज. ये वाटर चेंज ऑलमोस्ट हो चुका है. थोड़ा सा और वेट करेंगे. यहाँ पे खाना मिल गया है. तो इतना वाटर चेंज फिलहाल इनफ है. अभी इसको भरेंगे. भरने के बाद ये सब ये वाला टैंक का वाटर चेंज कुछ दिन पहले ही हुआ था. सो आई डोंट नीड इट एट द मोमेंट. सो ये मेरा ब्लू बे सरवाना है जो जिसका अपडेट बहुत दिन भी नहीं आया है. एंड दीज आर ऑल द पैरेट्स. दे हैव ग्रोन अ बिट देन द बिफोर एंड द बाइचर्स आर ऑल्सो देयर. सो आई एम प्लानिंग टू रिमूव द बाइचर्स फ्रॉम हियर टू द बिग टैंक ओवर देयर. सो माई अरवाना द 24K वाला अरवाना, इट लव्स हैविंग सुपर वर्म्स ओवर देयर. सो इफ यू कैन सी डे बाय डे इसका कलर इतना इम्प्रूव करता है हमको लगता है. एंड आई जस्ट इन लव विद द फिश. सी मतलब वो सुपर वर्म देख के पागल हो जाता है. इफ आई ट्राई टू डू सी वो मतलब ऑलमोस्ट कूद के मतलब फटाक से आई हैव टू गिव इट. सो आई थॉट ऑफ यू नो शिफ्टिंग दिस अरवाना टू अ बिगर टैंक बट अभी डोंट नो. आई डोंट नो वॉट टू डू. आई थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस टू माई फार्म ओवर देयर कि वहाँ पर थोड़ा सा एक बड़ा जगह बना के अगर इसको रखा जाए तो इट विल बी क्वाइट गुड. एंड पर्सनली बहुत दिन मतलब यू नो नो न्यू प्रोजेक्ट्स हैव बीन मेड एंड थोड़ा सा ऐसा लग रहा है. सो आई एम प्लानिंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट.
अभी फ्लावर हॉर्न ग्रूमिंग के बारे में हमको अभी फिलहाल उतना आइडिया एग्जैक्टली आई कैन टेल यू लाइक एन एक्सपर्ट, बट थोड़ा जो बेसिक नॉर्म्स वगैरह है आई एम ट्राइंग टू फॉलो विद द फीड. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि मैं क्या खाना खा रहा हूँ या फिर आई मीन क्या खाना खिला रहा हूँ. आई डोंट नो व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू राइट नाउ. एंड कुछ देर में इसका मिरर हट जाएगा. एंड इफ यू सी राइट नाउ इट्स लुकिंग क्वाइट वेल. इट्स लुकिंग क्वाइट वेल. आई हैव पुट अ रेफरेंस पिक्चर ऑफ इट इन द फर्स्ट डे की मतलब ये कैसा दिखता था. ओके एंड राइट नाउ इसका जो इम्प्रूवमेंट है काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के. काफ़ी अच्छा लग रहा है. पीपल से इट की फ्लावर उनको 2.5 फीट का टैंक में रखो, ज़्यादा बड़ा टैंक में मत दो. अभी मेरे पास उतना बड़ा टैंक है नहीं तो क्या करें. सो 4 फीट का टैंक पे ही उसका डेस्टिनेशन है फिलहाल. इट्स स्विमिंग अबाउट रोमिंग अबाउट बहुत बढ़िया है. उतना कुछ कॉम्पिटिशन के लिए ग्रूम वगैरह यू नो देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन इन ऑल ओवर इंडिया अबाउट फ्लावर हॉर्न्स एंड ऑल. सो उसको फिलहाल तो वैसा कोई विचार नहीं है. पहले खुद सीखे, पहले खुद इसको देखे कि सही सही रहे. इफ एवरीथिंग गोज वेल माइट बी लेटर ऑन आई विल ट्राई टू पुट इट इन सम कॉम्पिटिशन. सो मेनी पीपल आर आउट देयर लाइक यू नो जो लोग मतलब हु आर डूइंग जॉब एंड पीपल हु आर हैविंग लॉट ऑफ वर्क ऑल्सो. सो दे डोंट आर नॉट एबल टू पुट proper time with their fishes and with their tanks. So one thing I've seen ki mera bhi matlab as I am you know not able to come home I can understand your pain ki kyun matlab you know kaisa lagta hai agar ghar pe thoda sa matlab you know tanks wagera ko dikha na jaye. But I will tell you one thing ki that is why I follow one thing ki zyada stocking tank pe mat karo. Make it a limited stocking. Limited stocking hone se kya hota hai कि यू डोंट हैव द टेंशन ऑफ इधर कि वो लोग आपस में वो लोग लड़ाई करें. दे आर गोना फाइट. यू डोंट हैव द टेंशन और यू नो लाइक एनी सडन एमोनिया स्पाइक अनलेस लाइक यू हैव मिस्ड आउट एनी वाटर चेंज और समथिंग. कुछ अगर स्पाइक कर गया वाटर पैरामीटर्स दैट यू विल हैव अ बिट लेस चांसेस. बड़ा टैंक होने से क्या होता है फ्लक्चुएशंस होने का चांसेस भी थोड़ा कम रहे. सो दैट इज वाई आई प्रेफर कीपिंग एज लिमिटेड स्टॉकिंग एज मच एज पॉसिबल. जैसे ये वाला टैंक में तो मछली बड़ा हो चुका है एंड ये काफी बड़ा हो चुका है. आई वॉज प्लानिंग ऑफ इट फॉर पुटिंग दिस फिश इन दैट बिग टैंक ओवर देयर बट आई डोंट थिंक दैट विल बी पॉसिबल क्योंकि सिल्वर डरवाना कितना एक्सेप्ट करेगा आई हाईली डाउट. ओके बट आई हैव टू फाइंड सम डेस्टिनेशन फॉर दिस फिश बिकॉज इस टैंक पे ज्यादा दिन तो वो रहने वाला नहीं है. Anyways guys, I hope you have enjoyed this episode and if you have enjoyed this episode somehow then guys do not forget to hit the like button over there and share this video with your friends and family. Guys, take care. Bye bye. See you. Meet you in my next episode. Bye bye.